जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। तथा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, वो था बहुपद। बहुपद का ग्राफिक विधि हमने सॉल्व कर ली और आज उसका नया टॉपिक शुरू होता है, वो है बहुपद के शून्य को और गुणांकों में सम। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इस बहुपद का मानक रूप क्या है, मानक रूप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा के लिए याद रखना है, होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यह है आपके बहुपद का मानक रूप। ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या कहलाता है ए। बी एक्स का गुणा, बी एक्स का गुणा और सी कहलाता है आपका अचर पद। क्या कहलाता है, अचर पद। इससे हमें तुलना करनी है, क्या करनी है, तुलना। और देखिए ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणा, बी एक्स का गुणा और सी होता है यहाँ अचर पद। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके ही हम इसको फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे और इसको कैसे लागू करना। अब यह कह रहा है बहुपद के शून्य और गुणांकों में सम। तो सबसे पहले तो मैं बहुपद, अब मैं आपको एक उदाहरण लेकर सिखाऊंगी कि बहुपद के गुणनखंड कैसे करने और उसकी तुलना कैसे करनी। तो देखिए बहुपद के गुणनखंड करने के तीन मेथड है हमारे पास। एक तो है गुणनखंड सीधा मेथड, एक श्री धराचार्य और एक विवेचक और एक पूर्ण वर्ग विधि। उनमें से किसी एक विधि से आपको गुणनखंड करने हैं और फिर इससे सीधी तुलना करनी, गुणांकों में संबंध सीधी तुलना करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण ले लूँ, फिर उसके मैं गुणनखंड करूँ, फिर आपको उसको गुणांकों में संबंध बताऊँ। तो इसके लिए उदाहरण देखें, दो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। हमारे पास ये एक समीकरण, एक बहुपद है। इस बहुपद के मेरे को गुणनखंड करने हैं और फिर गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो मैं इस उदाहरण को लेकर चलूंगी, इससे मैं आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगी। गुणनखंड करने के बाद इनके बीच में संबंध का भी आपको सिलसिला बता दिया जाएगा। अब देखिए गुणनखंड जो हमने 9th क्लास में बहुपद था उसमें किया है, गुणनखंड विधि की ना हमने। तो देखिए गुणनखंड विधि का तरीका, देखिए पहले तो यहाँ आपको मानक रूप से तुलना करें। देखो x स्क्वायर का गुणांक होता है a, इसका मतलब यहाँ a कौन है, 2। x का गुणांक होता है बी चिन्ह समेत, ये बन गया अपना b और अचर पद होता है c, a b c। गुणनखंड तरीका होता है a को c से गुणा करें, a को c से गुणा करें और b आना चाहिए, चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, a का c से गुणा करना है और b आना चाहिए। देखिए यहाँ a कौन है, 2, सी कौन है, 6, कितना आना चाहिए, माइनस 8, कितना आना चाहिए, 8। देखो 2 × 6 12, इनको गुणा करने पर आ रहे 12 और जोड़ने पर आना चाहिए 8। इसका मतलब क्या कहूँ, 2 × −6, देखिए गुणा करने पर आना चाहिए 12 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 8। इनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, 8। तो देखिए क्या कर दूँ, −2 और −6, ये गुणा होकर देखो माइनस माइनस कितने आ गए, 12 और 6 और 2 कितने हो गए, 8। दोनों जुड़ेंगे तो किसके बनेंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस के 8 कितना आ गए। ये तरीका होगा, क्या होगा, ए और सी का गुणा बी के बराबर आना चाहिए। अब देखिए ए और सी कितने, 12, और इस 12 को ऐसे टुकड़े करो कि उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8। देखो 6 × 12, 6 और 2 8, तो अब करें इसमें छोड़े 8 के टुकड़े, तो देखो क्या होगा, 2x² − 8x को लिखेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस 6 बराबर। गुणनखंड का तरीका है आपका a का c से गुणा करो और b प्राप्त करना है। तो देखिए तीन पद से हमारे पास पद हो गए 4, अब इसमें से कॉमन लेना है। देखिए इन दोनों में से कॉमन लेना है 2x, क्या ले ले, 2x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस, ये पूरा पूरा बाहर आ गया, बच गया a। इसी तरह इसमें से माइनस 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा s और ये 6 बाहर आ गया, प्लस पड़ा है, क्या कॉमन ले लिया, माइनस, बढ़ गया
x माइनस वन। अब देखें इन दोनों फैक्टर में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस वन, तो मैंने बाहर ले लिया x माइनस वन और यहाँ से बच रहा है 2x माइनस छः बराबर जीरो, 2x माइनस छः बराबर जीरो। तो देखिए ये बॉक्स भी बराबर के जीरो पड़ा है, ये बॉक्स भी बराबर के जीरो पड़ा है, तो यहाँ से मैंने पहले बॉक्स को जीरो के बराबर लिखा तो बन गया x बराबर एक, या दूसरा बॉक्स है 2x माइनस छः बराबर जीरो, तो 2x बराबर छः, x बराबर छः बटा दो वैल्यू आई थी। देखिए x के दो मान आए, ये हमने इसके क्या निकाले, शून्य, क्या निकाले, शून्य, बहुपद के शून्य, हमने x के दो मान रखे, ये दो मान रखते ये समीकरण जीरो हो जाएगा, तो ये आगे बहुपद के शून्य। अब बहुपद के शून्य, शून्यकों का योग, बहुपद के शून्यकों का योग करें, योग में एक प्लस तीन, एक प्लस तीन कितना आया चार। इसी तरह देखें बहुपद के शून्यकों का गुणा, का गुणा एक इंटू तीन, तीन, एक इंटू तीन कितना आ गया तीन। अब देखिए हमने बहुपद के शून्य निकाल दिए, वैल्यू आई एक और तीन, इनको जोड़ लिया कितना है चार और इनको गुणा कर लिया कितना है तीन। अब है आपके गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध, ये यहाँ से आपको कंपेयर करना है, गुणांकों में संबंध। देखिए संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए, क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। देखिए हमारे शून्यकों का योग कितना आया चार, कितना आया चार, जब हम तुलना करेंगे तो इसमें माइनस बी बट्टा ए के बराबर होगा, तो देखिए बी और वो भी किसका माइनस का, तो बी कितना पड़ा माइनस का आठ, ऑलरेडी माइनस आठ आएगा तो माइनस माइनस प्लस आठ, आठ बट्टा ए, ए का मान पड़ा है दो, क्या पड़ा है शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए और हमारा शून्यकों का योग आया चार जो किसके बराबर करना है बी बटा ए के, तो बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस आठ पड़ी और फॉर्मूले में भी होता है माइनस, माइनस माइनस कितने हो गए प्लस और आठ बटा दो वैल्यू कितनी आई चार। इसका मतलब हमारा योग और तुलना क्या आ गई बराबर, ये चेक करना था। अब देखिए शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, गुणा होता है c बटा a, माइनस b बटा a और c बटा a, हमारा गुणा कितना आया दोनों को गुणा क्या था आया वैल्यू तीन। अब हमें क्या करना है c बटा a, c का मान ये बड़ा a b c, c का मान कितना है छः, छः बटा a का मान कितना है दो, कितना आया भाग दिया था आया तीन। इस तरह से हमारे हमने तुलना कर ली, हमारा भी शून्यकों का योग चार आ रहा है, ये भी आ रहा है चार, हमारा गुणा आ रहा है तीन और इसका उत्तर भी आ रहा है तीन। तो ये है आपके बहुपद के शून्यकों का, शून्यकों व गुणांकों में संबंध, शून्यकों व गुणांकों में संबंध, ये है आपका एक उदाहरण के थ्रू मैंने इस टॉपिक को आपको क्लियर कर दिया। देखिए इसके लिए एक और उदाहरण ले लें अपन, एक और उदाहरण ले लें और इसको एक बार और समझे। तो देखिए a इंटू दस बराबर क्या आना चाहिए सात के,
10 के टुकड़े कर लिए मैंने, 2 इंटू 5 गुणा करने पर 10 और 2 और 5 जोड़ दिए कितना है 7, जो आए कि नहीं आए। क्या किया मैंने, इधर आ रहा 10 और इधर लगा हमें 7, तो 10 के टुकड़े किए मैंने 2 इंटू 5, 2 5 10, इधर 10 आ गए और इन दोनों को जोड़ लेते आ गए 7। तो देखिए इसके गुणनखंड होगा x स्क्वायर प्लस 7 को थोड़ा 2 और 5 में 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। ओके, तीन पद से चार पद बढ़ गए, हम कॉमन ले लें, इसमें से हमारे पास कॉमन आएगा सिर्फ और सिर्फ x, यहाँ बच गया x प्लस x कॉमन आ गया, क्या बचा 2, क्या बच गया 2। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5, क्या आ रहा है 5, यहाँ क्या बचा x, कॉमन आके हो गया 2 इंटू 5, 5 कॉमन आ गया बच गया 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 2, x प्लस 2, तो यहाँ बच रहा है x प्लस 5 बराबर 0। दोनों का कॉमन क्या है x प्लस 2, यहाँ से मैंने कॉमन ये कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 5। अब देखो ये और ये दोनों किसके बराबर पड़े 0 में, तो देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ बन गया x बराबर माइनस 2। इसी तरह यहाँ है x प्लस 5 बराबर 0 और ये 5 उधर जाके बन गया माइनस 5। तो देखिए गुणनखंड में बहुपद के शून्यक में हमारी वैल्यू आई माइनस 2 और 5। अब देखिए बहुपद के शून्यकों का योग करें हम, तो देखो क्या आ रहा है माइनस का 2 माइनस का 5 वैल्यू आई माइनस की 7। वर्दी हमने शून्यकों का योग किया माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7, इनका गुणा करें माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 10। ये हमारा काम यहाँ तक हुआ। अब हमें क्या करना है गुणांकों में समन ज्ञात करना, तो जो हमारा योग है शून्यकों का योग वो किसके बराबर होता है माइनस वी बटा ए, हमारे शून्यकों का योग आया माइनस 7, कितना आया माइनस 7। अब आपको समीकरण देखना है माइनस वी बटा ए माइनस सूत्र का और वी की वैल्यू कितनी है 7, कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 1, 7 बटा 1 वैल्यू आई माइनस 7, इसका मतलब हमारा योग भी माइनस 7 और क्वेश्चन से भी माइनस 7। अब देखिए शून्यकों का गुणा फॉर्मूला होता है सी बटा ए, हमारा गुणा करें हमारा गुणा आ रहा है माइनस 2 इंटू माइनस 5, माइनस 2 इंटू माइनस 5 वैल्यू आई 10 और बराबर होता है सी बटा ए, सी की वैल्यू कितनी है 10, 10 बट्टा 1 तो वैल्यू आ गई 10। इस तरह से देखिए हमारे शून्यकों का योग भी माइनस 7 और तुलना करने पर भी माइनस 7, हमारे शून्यकों का गुणा 10 और तुलना करने पर भी 10। ये है आपका दो उदाहरणों के थ्रू मैंने अगला टॉपिक जो है आपका बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध से संबंधित दो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया गया है, और इसको और समझने के लिए आप स्वयं प्रैक्टिस करें। जय श्री कृष्ण।